हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको सूजी का हलवा बनाना सिखाऊंगी। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। आपको ले लेना है सूजी। सूजी को करते हैं हम साइड। एक प्लेट में हम कटे हुए नारियल, काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची ले लेंगे, फिर उसे पीस लेंगे। मैं मिक्सी में लेके उसे पीस के साइड कर लूंगी। रखते हैं गैस पे कढ़ाई को और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। देखते ही देखते हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। उसमें डालेंगे हम घी। आपको घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखना है या आप अपने हिसाब से रख सकते हो। घी को थोड़ा गर्म होने देना है। हमारा घी गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे हम सूजी। सूजी डालते उसे आपको अच्छे से मिला लेना है और उसे अच्छे तरीके से स्लो आँच में पकाना भी है और उसे भूनना भी है। इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी क्योंकि उसको आपको चलाते रहना है, थोड़ा स्लो आंच में ही चलाना है, जिसे अच्छे तरीके से वो हमारा सूजी का हलवा लाल और सुनहरे कलर का हो जाए और स्वाद भी आए। हमारे सूजी में थोड़ा सा लालपन आ रहा है। गैस के फ्लेम को थोड़ा स्लो ही रखना है, नहीं तो जलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। हलवे की मिठास को बढ़ाने के लिए हम उसमें डालेंगे शक्कर। मैं 2 कप शक्कर ले लेती हूँ। शक्कर को आप जैसे डाल लेंगे वैसे ही आपको तुरंत ही मिलाना है अच्छे तरीके से। हमने शुरुआती में जो ड्राई फ्रूट को पीसा था उसको उसमें हम ऐड कर लेंगे। मैं उसको अच्छे तरीके से उसमें डाल लेती हूँ। डाल लेने के बाद हम उठाएंगे अपना अस्त और लगेंगे उसे चलाने के लिए। आपको चलाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। जितना आप ज़्यादा चलाएंगे उतना ही आपका अच्छा बनेगा। सत्यनारायण कथा में सूजी का हलवा प्रसाद के रूप में लगता है। उसके बाद हम डाल देंगे उबला हुआ दूध। आप पानी भी डाल सकते हो, पर दूध डालने से उसमें स्वाद अच्छा आता है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार कह देती हूँ, चलाने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। अब हम इसे धीरे धीरे चलाएंगे, इसकी दूध की मात्रा जिससे अच्छी तरीके से मिल जाए और अच्छे तरीके से पक जाए। और आपके गैस के फ्लेम को स्लो ही रखना है। कुछ देर तक आपको चलाने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। आपको बहुत से मेहनत के बाद हमारी सूजी का हलवा हो गया है फाइनली तैयार। इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। आइए हमसे जुड़े, बनाते हैं कुकिंग का सबसे बड़ा परिवार। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी नई रेसिपियों के साथ। चलिए फ्रेंड्स, बाय।